हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी दीदी और मैं जा रहे हैं दीदी के स्कूल, दीदी की फीस भर रहे हैं अपने स्कूल लाइफ। हाँ, कॉलेज गंदर महाविद्यालय, तो वहाँ फीस भरने जानी दीदी के भी, तो दीदी की फ्रेंड्स भी मिलेंगी सब, तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, मेट्रो चलेंगे, थोड़ा लेट हो रहा है, जल्दी निकल रहा था, थोड़ा नहाने में लेट हो गया, रेडी होने में लेट हो गया, अब चलते हैं फटाफट। क्या है? गर्मी है जी, मेरा कंटेंट है, कंटेंट है ना, तो सुन, ये मेट्रो वाले एक नंबर के बेवकूफ गधे लोग हैं। अभी नीचे हमने टोकन लिया, उसके पास खुले पैसे थे, फिर भी उसने बोला नहीं मशीन से निकालेंगे, इतना टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, 20 मिनट वेस्ट कर दिया। ऐसे लोगों को मेट्रो के, ऐसे लोगों को डूब मर जाना चाहिए। हाय गुस्सा, पैसे थे उसके पास खुले, उस कुत्ते ने दिए नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठंडा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा खराब है, चलो। तो अभी दीदी और मैं मेट्रो से तो उतर गए हैं, अब जा रहे दीदी के स्कूल, गंधर विहार कॉलेज, कॉलेज तो वहाँ फीस भरनी है पहले, फिर दीदी की फ्रेंड्स आ रही हैं दीदी से मिलने के लिए। अभी हम दीदी के कॉलेज पे आ चुके हैं जहाँ फीस जमा करनी है, तो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ ये कॉलेज है क्या, थोड़ा बहुत दिखा पाऊँगा बस, ये रिसेप्शन अंदर चलते हैं। तो गाइस अभी हमने फीस तो भर दी है और ये रिसीप्ट, तो दीदी की फ्रेंड्स आ रही है, हम उनका वेट कर रहे हैं, फिर थोड़ा कुछ खाएंगे भी, फिर चलेंगे घर पर, थोड़ा एंजॉय करते हैं लाइफ को। ये तो कोई मूर्ति है किस चीज़ की, ये पंडित कौन सी थी, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, इन्होंने गंधर्व का निर्माण किया था, इन्होंने गंधर्व का निर्माण किया था इन्होंने, ये गंधर्व जो है महाविद्यालय, फिर सबसे पहले इन्होंने लाहौर में खोला था, तो लाहौर में जब चला नहीं, उसके बाद मुंबई में खोला, मुंबई में मेन ब्रांच है, और उसके बाद यहाँ पे, और अब तो काफी जगह ब्रांचेस हैं। ये जो मूर्ति है आगे से दिखाता हूँ आपको, वोकल का, इधर सारा कथक का है, ये वाला कथक का है सारा, मतलब हमारी भी क्लासेस लगती हैं, फिर उधर सारा फ्लूट का है, वाह, मतलब पूरी एंट्री यहाँ से है ना, उस तरफ से एंट्री यहाँ से ही है, फिर एक गेट यहाँ है, एक गेट पीछे है, पर अच्छा बन रखा है बहुत यार। हाय दीदी, तो अभी दीदी की फ्रेंड्स भी आ गई और वो फीस भरने के लिए गई हैं, तो फीस भर के आ रही हैं, फिर हम सामने शॉप से हम कुछ खाएंगे। और ये वाला स्टैचू है जिन्होंने इस माँ गंधर्व की शुरुआत करी थी, फाउंडर है मतलब इसके, इनकी मूर्ति लगी हुई यहाँ पर, कुछ खाते हैं पहले। दीदी की फ्रेंड्स आ गई और हमने दो मैगी ऑर्डर करी है खाने के लिए, पर बहुत गर्मी हो अभी, अभी तो आया हुआ, अभी करी, जस्ट अभी करी है। एक दीदी यहाँ बैठी हैं, दीदी यहाँ बैठी हैं, अब तो आपने इनको देखा होगा पहले भी, और दीदी हमारे घर पे आते रहते हैं, और ये तो अभी हमारी मैगी आ चुकी है, दीदी वहाँ खा रही है, और हमने मंगाया चिली पराठो और कोल्ड ड्रिंक। दीदी आपको पसीने कितने आ रहे हैं? तुम नहीं हो, नहाती नहीं है क्या हफ्ते तक ये? कौन दीदी? बोलने से पहले सोचा करो ना फिर। तो अभी हमने खा पी लिया, तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बंगला साहिब, बंगला साहिब मंदिर जा रहे हैं अभी, मंदिर गुरुद्वारा, गुरुद्वारा जा रहे हैं लंगर खाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा लंगर खाने के लिए, तो वहाँ चलते हैं, और अभी हम यहाँ पर बस स्टैंड पे खड़े हैं और बस का वेट कर रहे हैं, बस आती फिर चलते हैं। तो अभी हम बस से उतर चुके हैं और यहाँ से बस थोड़ा दूर बंगला साहिब मंदिर है, यहाँ पैदल पैदल तो वहीं जा रहे हैं बस, बंगला साहिब गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा यार मंदिर मंदिर निकलता है मेरे मुंह से, बंगला साहिब गुरुद्वारा। बोल, इसमें साधु जी हैं, वो गाते हैं बहुत अच्छा है, जोर से बोल देना। अभी हमें चीज है इसमें, क्या चीज इसमें? ये तो हम सभ्य है, सभ्य, चलो चलते अंदर से। वही सुंदर है ना, यहाँ पे पूरा इतना अच्छा आर्ट बने हुए, बहुत सारे यहाँ से कपड़े हैं।
बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे अच्छे लग रहे हैं ना प्यारे प्यारे से, वो वाला अच्छा लग रहा है बिल्कुल, देखो ब्लैक वाला इतना प्यारा सा लग रहा है। तो ये सीपी की तरफ से सबसे नीचे से, और इतना सजा रखे ना सुंदर है ना, और यहाँ पर छोटे छोटे क्या है देसी खांड, ये तो खांड है ना, ऑयल फ्री पिकल। छूकर मुझे उसने पत्थर से इंसान किया, मुद्दतों बाद मेरी आंख में आंसू आए। और दीदी अब बाल ठीक करने में लगी हैं। अरे बिल्ली बच्चे अच्छे लग रहे थे प्यारे प्यारे से, और यहाँ पर कपड़े टंगे हुए हैं। चलते हैं बाहर, बाहर बहुत गंदी धूप है यार, मन नहीं कर रहा। और अभी हम धूप में चलते चलते मंगला साहब गुरुद्वारा जा रहे हैं, पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, आज फर्स्ट टाइम दीदी धूप में ज़्यादा चल रही है ना, दीदी फर्स्ट टाइम चल रही थी धूप में, दीदी वैसे चलती नहीं है, पर बहुत ज़्यादा गंदी धूप हो रही है यार। अब फटाफट चलते हैं। पर दीदी वहाँ पर नंगे पैर ये बताओ चलोगे कैसे, वहाँ पर नंगे पैर अंदर कौन घूमने वाला है भाई, हालत ख़राब हो जाएगी। दीदी मैं तो लंगर खाने जा रही है, लंगर खाना है, प्रसादा प्रसादा और हलवा खाएंगे, हलवा। चलो अभी हम बंगला साहिब गुरुद्वारा आ चुके हैं, चल रहे अंदर, पहले पियेंगे पानी, बहुत प्यास लग रही है यार। दीदी पसीना सुखा रही है अभी तो भी हम अंदर से आ चुके हैं, पर अंदर ना वीडियो रिकॉर्डिंग इतनी अलाउड नहीं थी, तो जितना हो पाया मुझसे मैंने तो रिकॉर्ड करा। अभी हम जा रहे हैं सीधा अपने घर पे, दीदी जाएगी अपने घर और हम जाएंगे अपने घर, क्योंकि अब लेट हो गया, 3:30 बज रहे हैं, 4 बजने वाले हैं। बाय दीदी, बाय। पहले तो अभी हम मेट्रो से उतर चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने घर पे सीधा, और दीदी बहुत थक चुकी है आज बेचारी, आज बहुत धूप में चली, पता आज बहुत धूप में चली दीदी, तो आज कैसा लगा कोई नहीं कोई नहीं, चल रहेगा चलो अपने। और फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं हम, और आज थकावट हो गई यार, हम किस काम से गए थे और पूरा घूम फिर के आ गए। मैं कैसा लगा खेले लेके, क्या हो गया, सो रहे थे क्या? नहीं लेटी हुई, ये सोएंगे, हमारे बिना सो नहीं सकती। एक्चुअली मैं अपने घर पे तो आ गया, और मैं आराम से बैठ के जामुन खा रहा हूँ। तो अभी बाहर इतनी ज्यादा गर्मी थी, पर मजा आया आज, चौबीस अच्छा था। पर यार एक चीज मतलब खराब हो गई कि मैं ना वहाँ पर बंगला साहिब गुरुद्वारे में म्यूजियम गया था, तो वहाँ शायद बस हिस्ट्री है पूरी, जो जो हुआ हो रखा है हमारी हिस्ट्री में, तो मैं पूरी इसी वीडियो में आ रहा था। पहले उन्होंने बोला वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई बात नहीं आप रिकॉर्ड कर लो, पर उन्होंने बोला कि जो आप वीडियो बना रहे हो और जो वीडियो के अंदर बनाते बनाते बता रहे हो अब ठीक नहीं बता रहे हो, तो इसलिए उन्होंने सारी वीडियो डिलीट मार दी, सारी की सारी म्यूजियम की। अब बहुत दुख हुआ यार, बहुत ज़्यादा। मैंने बोला चलो फिर वीडियो बना लेता हूँ, अब बोलूँगा नहीं कुछ, बस रिकॉर्ड कर लूँगा, तो उन्होंने फिर बोला अब रिकॉर्ड भी नहीं करना है। अब बहुत दुख हुआ मेरा, कम से कम दो एक मिनट का तो पूरा ब्लॉग था, वो एक मिनट की भी क्लिप थी, पूरा अच्छा म्यूजियम था ना वहाँ का,
दुख हो रहा है यार, हट गया वो, उन लोगों ने डिसेबिलिटी मार दिया, पर कोई बात नहीं है, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। फिलहाल मैं इस बात को सोच ले रहा, तो अभी मैं जामुन खा रहा हूँ, जामुन खा के फिर शाम को थोड़ा बाहर घूमने चले। तो मैं अभी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मेरे को ना ATM में थोड़े पैसे डालने दीदी के, फिर चलते हैं बाहर थोड़ा थोड़ा आसमान घूम भी आएंगे। तो मैं अभी आया हूँ बाहर और मैंने अभी एक माउंटेन ड्यू लिए पीने के लिए, मेरे को प्यास लग रही थी बहुत तेज, तो मैंने माउंटेन ड्यू ले ली, पीते हैं चलते हैं। तो मैं अपने घर पे तो आ चुका हूँ और अभी डैडी ऑफिस से आ चुके हैं और अभी 8 बजे आज डैडी सही टाइम पे आ गए। तो अभी मम्मी धो रही कपड़े, देखो मैंने ऊपर देखो तार बांध दिए, ये तार देखो तार बांध दिए ना वाले, तो जब भी मम्मी धोती कपड़े ऊपर सुखाती छत पे, मम्मी तो यही सुखाती थी, मैं वो बांधता हूँ तार यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कपड़े सारे मैं इस पर सारे टांग देंगी और कपड़े धुल चुके हैं। मैं जा रहा हूँ बाहर, थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा सामान लेके आने घर का, अभी लेके आने सब्जी मेरे को, तो सब्जी लेके आ करूँ घूमते घूमते सब्जी ले आऊँगा। लो भाई सामान। तो ना मैं भी डैडी का थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, डैडी को सामान लाना है कुछ। देखो ये बिल्ली कैसे बैठी है, सो रही थी ध्यान से देख रही मेरे को। मेरा चिकन तो पैक हो चुका है और हम जा रहे हैं अपने घर पे, तो घर पे अगर आराम से AC में बैठ के खाऊंगा तो चलते सीधा अपने घर पे। दूध वाली करवा, हाँ चोकोबार लिया आपके लिए और दीदी के लिए लिया बर्फ वाली। चलो तो मैं अपने घर पे आ चुका हूँ और मैंने अपना खाने के लिए डाल चुका हूँ, तो अभी खाना खाते हैं फिलहाल, और मैं खा रही दाल चावल मैं खाता हूँ। तो गाइस फिलहाल मेरी एडिटिंग हो चुकी है और मेरा खाना पीना भी हो चुका है, तो मैं सोऊंगा आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं जल्दी अपने न्यू व्लॉग में। बाय, गुड नाइट। तो अभी दीदी की फ्रेंड्स भी आ गई और अभी अंदर फीस घर फीस भरने गई है, अरे गुटो, और वो फीस भरने के लिए गई है।